चंदू तुम, मैंने तुम्हें अकेले इधर उधर जाने से मना किया था ना, तो फिर क्यों गए? जाने का तो हमें डेढ़ मील दूर तक ढूंढना पड़ा, फिर जाके मिला ये शरारती चंदू। वो तो अच्छी बात है जिनेद जी हमारे साथ थे। वो अच्छी दोस्ती दिखाई आपने जिनेद जी। ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा अब हम समझे, तो आप इनके साथ थे। हमने तुम्हें कितनी आवाज दी जुनैद भाई। दोस्ती निभाना तो इनके खून में। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें आप दोनों भाइयों जैसे दोस्त मिले। शुक्रिया जुनैद जी कि आपने मेरे छोटे से भाई को ढूंढने में मदद की। जिनी मिनी को इतनी मोहब्बत से देख रहा था और आका को इतने गुस्से से देख रहा है। मैं इस कद्दू को देख लूंगा। नाटक को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। शुक्रिया कहा उसे, शुक्रिया। ये गुफा गिरने वाली है। आप इधर से लेके आते जाइए, हम आपके पीछे आते जाइए जाइए। बस तुम्हारी पोटली चला लें पर निकल जाते हैं। चाहिए चाहिए, चलो चलो भागो, चलो 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 चलो। अब्बू देखिए ना, बिल्कुल आप ही की तरह खा रहे हैं। कहीं आपके भाई तो नहीं? बहुत अच्छे मेरा भाई। क्या कहा? रुको ना, तो बताइए तुम कहां से हो? तेरे बस के कुछ नहीं, मैं कोशिश करके देखता हूँ। आप ही की बिरादरी का है ना। याद करो जो हमने सिखाया था तुम्हें, तुम कौन हो और कहां से आए हो, बताओ बताओ। मेरी गुल्लू, इस तरकीब की तितली की तो उड़ने से पहले ही जान निकल गई। अगली जान मेरी निकलेगी शहजादी के हाथों। अरे मेरे गुल्लू, तुम सुबह उठते ही अंगड़ाई लेने से पहले हार मानने की सोचते हो। रुको मैं कोशिश करती हूँ। हाँ जाओ। वो मैं क्या कह रही थी, आपका नाम क्या है और आप हैं कहां से? उस बेरहम मेरी बेगम ने मुझे आज तक ऐसे नहीं देखा जैसे बहू इस भिखारी को देख रही है। अल्लाह रहम। बोलिए ना।
मैं चिरागुद्दीन, मैं मंगोल की फौज का सिपे सालार। तेरी? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही शहजादी के सामने बोलना, ठीक है? बोल तो दिया है। असली शहजादी के सामने। तो गुल्लू, मैं क्या नकली शहजादी हूँ? असली हो मेरी गुल्लू, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, इस भिखारी के लिए नहीं। भिखारी कहने का बुरा मत मानना, ये और इसकी अम्मी मुझे प्यार से भिखारी कहकर बुलाते हैं। गुल्लू, गुल्लू। ये कटोरे में पड़े सिक्के की तरह इधर से उधर आंखें घुमाना बंद करो। जो हमने सिखाया है वो चुपचाप सही सही जाकर शहजादी से बोल देना, वरना मेरी बेगम मोहल्ले में सांड के नाम से जानी जाती है, तुम्हें पटक 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 के मारेंगी। याद रखना, भूलना मत। हट गुल्लू, पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया कि ये मेरे अब्बू के भाई हैं। तुम उनके बेटे और तुम उनकी बहू भी तो हो ना। सारा जी, कहाँ रह गई आप? जिन जिन्नात जादू टोना, मिल जाए हमें इस पोटली का सोना। माफी आका, लेकिन आपके सर पे चोट लगने से क्या आपकी याददाश्त चली गई है? ये जादू टोना मेरा काम है, आपका नहीं। अरे हम इस बात को बेहतर जानते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता, हमें इस बात की मालूमात हुई है कि ये जो अली है और उसके पास जो दौलत और सोना है वो इस पोटली की बदौलत है। अब जरा तुम सोचो, अगर हमें इस पोटली का राज पता चल जाए तो हमें ना इस अली की जरूरत पड़ेगी और ना किसी तरकीब की। चलो तुम एक मरतबा कोशिश करो। हाँ। वजीर आला, इसने तो हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने कहा था कि दोस्ती निभाना तो इनके खून में है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो लुच्चा चोर तो लेके भाग जाता, लेकिन आप नेक हैं। अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि ये पोटली सिर्फ मेरा हुक्म मानती है, इसके बावजूद भी आपने इसे खोलने की कोशिश नहीं करी। पोटली को ढूंढ के सही सलामत मुझे वापस देने के लिए। कहिए वजीर आला, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। अगर सोना चाहिए तो इसे भी छीनना होगा। हम जो कहेंगे आप वो देंगे। कह के तो देखिए वजीर आला, बगदाद में जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाएं। और बस हमें एक मौका दें आपकी खातिरदारी करने का। क्या सोच रहे हैं शहजादी यास्मीन के बारे में? अब उनकी फिक्र ना करें, वो हमारी होने वाली बेगम, हम उन्हें संभाल लेंगे। आप ही ने कहा था, दोस्ती की है तो निभानी भी पड़ेगी।
ठीक है, हम बगदाद आएंगे। खुशामदीद, चलिए आइए। जी ये बैठिए। वो क्या है ना शहजादी, मंगोल में शाही घराने के लोगों के अलावा सब लोग जमीन पर ही बैठते हैं, ऐसा मैंने सुना है और आज देख भी लिया, इसलिए ये जमीन पर ही पसर गए, है ना? ऐसा ही होता है ना वहाँ? आपका नाम क्या है? दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। जब भी भूख होता है ऐसा ही बोलता है, इसलिए यहाँ भी यही बोल दिया। ये भिखारियों जैसे बात नहीं कर रहे। खामोश में दी। वो क्या है ना, इनके दिल में भिखारियों के लिए बहुत मोहब्बत है। अपना नाम बताइए आप। अरे क्या हो गया? बोल भी दमे के मरीज। बोलो बोलो। सही है, हमारा नाम चिरागुद्दीन है, काम सिपे सालार, दुश्मन हमारी कटोरी की चमक से कांपते हैं। क्या? कटोरी की चमक से? मेरा मतलब है तलवार की चमक से शहजादी, तलवार की चमक से। खैर, आपके दरबार में आपका काफी ऊंचा ओहदा होगा ना, काफी खास जगह होगी आपकी। जी शहजादी, मस्जिद की सीढ़ियों में हमारे लिए खास जगह है। मस्जिद की सीढ़ियों पे? जी 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 शहजादी, वो क्या है ना, इन्हें गुरूर किसी बात का नहीं है, इनका कहना है कि ये अल्लाह के दर पर भिखारी है। भिखारी हूँ, भिखारी हूँ। बस बस बस, आप बैठ सकते हैं। अरे ऊपर आराम से। अब अपने शहंशाह का नाम बताइए। वजीर की अम्मी, मजा आ जाएगा। जिंदगी में पहली बार सूखी रोटी की जगह आजादी की पूरी मिली थी, लेकिन अब क्या पूरी और क्या आधी, छिन गई मेरी आजादी। ये भैंस बहू के चाचा के यहाँ से खूंटा तोड़कर चली आई है, मैं भी वहीं चला जाता हूँ ताकि इस मनुष्य की शक्ल ना देखनी पड़े, इससे दूर रहूँ मैं। ए सुनो, आधा शेर जलेबी देना। जलेबी? मैं भी खाऊंगा। अरे दूर हटाओ, इस भुक्कड़ को भी एक टुकड़ा दे देना। पूरा एक टुकड़ा? वाह, दे भाई जल्दी दो, जल्दी दो। ताजा ताजा। आधा शेर जलेबी हमें भी देना। वे 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 वे, कसम सोने की अशर्फियों की, जरा तेवर तो देखो, कोई रईस लगता है। नाजनीन अपना जादू चलाएगी, तुम अपना मुंह बंद रखना। आदाब। आदाब। जी मैं नाजनीन, यहाँ के होने वाले वजीर आला की अम्मी। और मैं उनका अब्बू। करो, बोला था ना। अब आपकी तारीफ। हमारा नाम फिरदौस है। फिरदौस, माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले कभी देखा नहीं आपको। हम सौदागर हैं। सौदागर है तो खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप कहाँ से आए हैं? हम अंकारा से। अंकारा? ये नाम कहीं सुना सुना सा लगता है। अम्मी, जब से ये अली आया, वजीर आला ने काम करा करा के मुझे उल्लू से घना बना दिया है।
आपको पता भी है मैं रोज 14 की जगह सिर्फ 13 घंटे सो पा रहा हूँ। हाय मेरे बच्चे, तू फिक्र मत कर, तेरी अम्मी उस अली की अकल ठिकाने लगा के उसे वही पहुँचा देगी जहाँ से वो आया है। वैसे वो आया कहाँ से है? अंकारा से। अंकारा? ये लीजिए जलेबी। जलेबी? नोश फरमाइए, नोश फरमाइए। कमाल है ना, दुनिया कितनी छोटी है। लगता है इस वक्त अंकारा के सारे बड़े सौदागर बगदाद में ही तिजारत के लिए आए हुए हैं। अभी पिछले दिनों आपके मुल्क के सबसे रईस सौदागर अपने घर वालों के साथ यहाँ आए हैं। उमेद भाई बगदाद में? हमें तो पता ही नहीं था। उमेद भाई नहीं, सलमान भाई। अरे नहीं, सलमान भाई भी नहीं, तो कौन? अली। अली? लगता आपको गलतफहमी हुई है। अहंकारा में अली तो बहुत सारे हैं, लेकिन सौदागर अली, वो भी रही सौदागर अली, तो कोई नहीं। जनाब, क्या आपको पूरा यकीन है कि पूरे अहंकारा में अली नाम का कोई सौदागर नहीं? जी मोहतरमा, बिल्कुल। तो जलेबी क्या खा रहे हैं? चलो। अरे अरे, पर कहाँ? अरे महल, वजीर आला को भी तो पता चले कि पूरे अंकारे में अली नाम का कोई सौदागर ही नहीं। बताओ ना, चलो चलो। हम यहाँ सौदा करने आए हैं, हमारे पास इस तमाशे के लिए वक्त नहीं है। आपको तमाशा नहीं करना, गवाही देनी। तो गवाही आप दीजिए ना, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जाएंगे? अरे शहंशाह का नाम, शहंशाह का नाम रखा नहीं गया है शहजादी। आप रख दीजिए। क्या? गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक नाम दे दो, वो 10 लाख देगा। तो फिर आपको मंगोल के 5 वजीरों का नाम तो पता ही होगा, बताइए। वो तो मुझे भी नहीं पता। जी शहजादी, अब वजीर अभी अभी बदल गए हैं ना, नए वालों के नाम हमें पता नहीं है। वो क्या है ना शहजादी, ये काम में मसरूफ रहते हैं। ठीक है, मंगोल में ऐसी कौन सी चीज है जिसका सबसे ज्यादा कारोबार है? इतना तो आपको पता ही होगा। कारोबार का क्या है? कभी इस मस्जिद के बाहर बैठ जाता हूं तो कभी उस मस्जिद के बाहर बैठ जाता हूं। कारोबार का क्या है? कारोबार तो यूं ही चलता रहता है। लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे चिरागु नीम जी, क्या हो गया? लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब लगता है मुझे चलना चाहिए। जाओ 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 चल। अच्छा मैं चलता हूँ। कौन हो तुम? हमारा जवाब दो, कौन है तुम? मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ मैं? आप कौन हैं? लगता है मुझे यहाँ कोई जादू से लेके आया है। सिपाहियों, जल्दी से इस पागल को यहाँ से उठाओ और महल से बाहर फेंक दो, और ऐसी जगह फेंकना ताकि ये फिर महल में ना आ पाए। सिपाहियों, सिपाहियों, तू बेकार बन गया।
आखिरी मौका दे रहे हैं हम तुम्हें, सच सच बताओ वरना जान से जाओ। दार गुलबदन, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने शहजादी यास्मीन के सामने हमारा नाम लिया। सूबेदार गुलबदन, यहाँ खाई वहां कुआ, वजीरे आला का नाम ले लिया तो उनके हाथों तो मौत पक्की है, उनका नाम नहीं लूंगा। वैसे भी वजीरे आला को उस चिरागुद्दीन की असलियत मालूम होती तो वो उसके तोहफे को शहजादे तक पहुंचने ही ना देते। झूठ बोलने में ही जिंदगी की असली खुशी है गुल्लू। चल गुल्लू, हो जा शुरू। मुझे माफ कर दो शहजादी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करता, आपको मंगोल के सीपे सलार से जो मिलना था। बेवकूफ, असली सीपे सलार से मिलवाते ना। लेकिन मंगोल में सीपे सलार कोई है ही नहीं। क्या, तो फिर वो जेवर तुम्हें किसने दिया था? शहजादी, मुझे क्या लगता है कि कोई बहरूपिया था जो महल में किसी तरह आ गया था। पहले क्यों नहीं बताया? सूबेदार गुलबदन, तुमने जो आज किया वो कभी नहीं होना चाहिए। हमें सच सुनने की ताकत है लेकिन झूठ सुनने की नहीं, समझे? समझ गया, अच्छे से समझ गया शहजादी, अच्छे से समझ गया, माफ कर दो। दफा हो जाओ यहां से। वो बहरूपिया कौन है और कहाँ है, ये सच तो हम पता लगा कर ही रहेंगे सूबेदार गुलबदन।